हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एडवर्ब पर होने वाली है। वैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जिन क्लासों को आज ले रहे हैं ग्रामर सेक्शन के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स को भी जिसका उसका विस्तारित रूप होता है उसको लेते जा रहे हैं। तो क्लास है हमारी एडवर्ब। एट फर्स्ट यू शुड नॉट एडिट, यानी सबसे पहले आपको इसको कॉपी के अंदर लिख लेना चाहिए कि हमारा टॉपिक कौन सा है, एडवर्ब। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इनको सुनना है, समझना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ध्यान से समझो, ये है एडवर्ब। एडवर्ब से मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। हिंदी में इसको कहते हैं अपन क्रिया विशेषण। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एडजेक्टिव वर्ब इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं उनको अपन एडवर्ब के नाम से जानते हैं। पूरी फॉर्म बताता हूं, उससे पहले थोड़ा समझिए। इससे पहले जो हमें टॉपिक करना चाहिए था ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक हमारा था टेंस फॉर्मेशन। क्योंकि अगर हम टेंस फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो फिर आगे आने वाली जो क्लासेस है वो थोड़ी सी हमारे लिए बोझिल हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, टेंस फॉर्मेशन में मैंने पहले से ही वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखा है, फिर भी मैं सोचता हूँ ऐसा करते हैं कि टेंस फॉर्मेशन के आधार पर कुछ और नए वीडियोज बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म रखेंगे, या फिर टेंस फॉर्म में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक नया वीडियो बनाएंगे। टेंस के दर अगर अपन 12 वीडियो बनाना चाहते हैं, या मैं चाहूंगी अगर 2-3 वीडियो में टेंस को खत्म करना है तो वो उस अकॉर्डिंग बनेगा। जो अकॉर्डिंग कौन से किसके अकॉर्डिंग होगा, ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग होगा। और जो पहले मैंने टेंस के वीडियोस बनाए वो थोड़े सिंपल थे, ठीक है ना, जो क्लासेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। लेकिन अब जो बनाएंगे वो थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का होगा, ठीक है ना। अगर आपको वो समझ में ना आए तो उससे पहले हम उस वीडियो को बनाए और आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो, इससे पहले आप उन वीडियोज को अच्छी तरीके से देखें, टेंस फॉर्मेशन अपनी क्लियर करें। और मान लीजिए अगर आपकी टेंस फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में, इसमें साइड नहीं है, हमने बंद कर रखा है फर्जी कमेंट को देखते हुए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट लिखकर भेजिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। अगर उसी के अंदर संशोधन करना है, यानी वीडियो फिर से सिंपल बनाना है टेंस फॉर्मेशन के, तो मैं उससे भी इजी वे के अंदर और सिंपल करके छोटे लेवल के वीडियोस बना लूँ जिसमें कंपटीशन लेवल को आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको लगे कि नहीं, हमें और नई वैरायटी चाहिए, ये वैरायटी हमने देख ली है, अपर वैरायटी चाहिए, तो मैं उसको उसी के अंदर एक नया जो संशोधन होगा वो एक नए वीडियोज बना करके थोड़े हाई लेवल के वीडियोज को आपको दिखा सकता हूँ। तो आपकी जो भी चॉइस है वो मुझे जरूर बताना। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब में आप देख सकते हैं एड वर्ब, ये दो चीजें, एक एड और एक वर्ब। एड क्या है? एड का मतलब है एडजेक्टिव और वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। और वर्ब क्या होनी है? क्रिया। देखिए, एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों मिलाएंगे तब बनता है क्या? एडवर्ब, ठीक है ना। अब देखिए, विशेषण और क्रिया, और इसको अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। अब आप सोचेंगे कि ये एडवर्ब वो हो सकता है जिसमें क्रिया भी आ जाए और विशेषण भी आ जाए। अगर आपने ऐसी कोई धारणा बना रखी है तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा अलग है इसकी डेफिनेशन, वो इसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि क्रिया विशेषण आगे होता क्या। क्रिया विशेषण वो चीज होती है, क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया या विशेषण के साथ जुड़कर
उसके अर्थ में, अर्थ में उसका अभिप्राय, ठीक है ना, उसके अर्थ में संशोधन प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। देखिए मैंने ये नहीं लिखा है वो केवल उनकी विशेषता बताते हैं, मैंने लिखा है कि उनके अर्थ में संशोधन प्रकट करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेके आपको समझ आ जाएगा, यानी क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया या विशेषण इनके साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर बात आप विशेषण की करते हैं तो विशेषण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वे शब्द जो कर्ता की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं विशेषण। यानी केवल कर्ता की विशेषता बताने वाला विशेषण होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऐसा शब्द जो जुड़ा तो है सेंटेंस में कर्ता के साथ में भी है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, बट उस वर्ड का जो मेन इंफ्लुएंस पड़ रहा है, मेन प्रभाव पड़ रहा है, वो कर्ता पर नहीं क्रिया पर पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी वो विशेषता तो बता रहा है लेकिन किसकी, क्रिया की विशेषता के अंदर संशोधन प्रकट कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा बदलाव ला रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। या फिर विशेषण के साथ जुड़ जाता है या फिर विशेषण के साथ में जुड़ जाता है। यानी किसी सब्जेक्ट की एक विशेषता तो बता दी, एक विशेषता तो हमने पहले से बता दी, उसी विशेषता में एक और नया संशोधन आ जाता है या एक और नई विशेषता जोड़ी जाती है जो उस विशेषण के पीछे चलती है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। इतने लेक्चर के बाद में आप दो तीन सेंटेंस अगर मैं बनाऊं एग्जांपल के तौर पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल आपको दिया है उसमें लिखा है कि ही रैन फास्ट, ठीक है ना, वह तेज दौड़ा। अब आप सोचोगे कि ये तो इस कर्ता की विशेषता बताई जा रही है, यही होगा कि वह तेज दौड़ा, तेज कौन दौड़ा, वह, इसका मतलब आप तो सोचोगे ये कर्ता की विशेषता है। नहीं, ये कर्ता की विशेषता तो है लेकिन ये एज अ विशेषण नहीं, एडवर्ब के तौर पर काम आया। क्यों आया, क्योंकि इसने जो विशेषता जोड़ी है, जो विशेषता इसने जोड़ी है किस पे जोड़ी, रैन पे। रैन का मतलब क्या है, दौड़ना। दौड़ना क्या होती है, क्रिया। यानी इसने विशेषता में इजाफा किया, किसकी विशेषता में इजाफा किया है, रैन मीन्स दौड़ना। ये किसके ऊपर आधारित है, दौड़ने पर, वो दौड़ेगा लेकिन कैसे, तेज गति से, वो तेज गति से दौड़ा। तो दौड़ने के साथ में ये तेज आया, केवल इसके साथ में नहीं आया, इसके साथ में ये भी हो सकती, वो ही रैन, वो दौड़ा, ये भी तो सेंटेंस बन सकता था, लेकिन कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो दौड़ने के साथ में हमने क्या वर्ड जोड़ा, तेज। तो दौड़ना एक क्रिया है और उसके साथ में जो अपने विशेषण जोड़ा है, यानी वर्ब और एडजेक्टिव एड वर्ब, ये होता है क्रिया विशेषण। मुझे लगता है कि आपको इसी एग्जांपल के अंदर लगभग ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर भी मैं एक नया एग्जांपल और देता हूं, ये होता है दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। देखिए दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, ध्यान रखना इसमें क्रिया विशेषण कौन सा था, ये था। अब एक नया जो एग्जाम्पल आपके सामने आया है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज, ध्यान से देखिए आप किन किन चीजों को ये सोचेंगे कि ये विशेषण हो सकता है। एक तो आया है ये, एक आया है ये, अब इन दोनों में से कौन सा विशेषण बन सकता है और कौन सा क्रिया विशेषण बन सकता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब ध्यान से देखिए, ये तो है वेरी और ये है स्वीट। अगर मैं यू बोलता है दीज आर स्वीट मैंगोज, क्या दीज आर स्वीट मैंगोज, तो स्वीट कौन है, मैंगोज। स्वीट किसके साथ में जुड़ा है, मैंगोज के साथ, ठीक है ना। मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसकी विशेषता कौन बता रहे, स्वीट। तो ये क्या, ये है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। क्यों विशेषण है,
क्योंकि इसने विशेषता किसकी बताई, मैंगोज की। बट ये क्या होगा भाई, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है इस विशेषण की, ये विशेषता बता रहा है इस विशेषण की, यानी दीज आर स्वीट मैंगोज बट वेरी स्वीट, बट वेरी स्वीट। तो ये वेरी स्वीट किसने बताया, इस वेरी ने बताया, यानी ये मैंगो स्वीट तो है लेकिन कितने स्वीट है ये इसने बताया कि वेरी स्वीट। तो ये वेरी किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, न कि इसके या इसके। इसलिए ये क्या बना हमारा, ये बना है एडवर्ब। समझ में आ गई होगी लगभग लगभग कहानी, ठीक है ना, कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन एडवर्ब को क्लियर कर रहे हैं। एडवर्ब वो होता है जो क्रिया के साथ जुड़कर या विशेषण के साथ में जुड़कर या तो क्रिया की विशेषता में इजाफा कर सकता है या कमी कर सकता है, या विशेषण के साथ में जुड़कर विशेषण की जो विशेषता होती है उसके अंदर इजाफा कर सकता है या कमी कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन इस एडजेक्टिव फॉर्म, सॉरी एडवर्ब फॉर्म, जो आज का हमारा वीडियो है जिसमें हमने इसको समझा। देखिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, तीन नंबर वाला, ये अपना दो नंबर, ये अपना एक नंबर वाला, ठीक है ना। ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर एडवर्ब जोड़ना चाहूं तो क्या जोड़ूं, ठीक है ना, मैं यहां पे एडवर्ब जोड़ूंगा ये वाला। आप सोचेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कौन हुआ ये, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, ये विशेषता बता रहा है इसकी। विशेषण क्या होता है, जो कर्ता की विशेषता बताते हैं, ही स्पीक्स लाउडली, तो इसका मतलब ये लाउडली स्पीक्स इसके साथ में नहीं, ये स्पीक्स इसके साथ में आया, क्योंकि तेज कौन बोल रहा है, जोर से कौन बोल रहा है, ये कर्ता बोल रहा है, इसलिए ये विशेषता किसकी बता रहा है इसकी, इसलिए ये क्या एडजेक्टिव। लेकिन मैंने कहा कि स्पीक्स वेरी लाउडली, यानी जो ये विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव और ज्यादा एडजेक्टिव बन गया, इसलिए ये क्या बना है, ये बना है एडवर्ब। क्या बना है, एडवर्ब, ठीक है। तो अपन इसको समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, जो ग्रामर का हमारा आज हमने जो नया टॉपिक चढ़ा है जिसको मैंने नाम दिया है एडवर्ब, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इजी गोइंग होगा, उसको मैं ध्यान से समझाऊंगा, एक एक टॉपिक पर ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे लगा कि ये आपके अपर में है, ठीक है ना, यानी बाउंस हो सकता है या फिर थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं ऐसा टॉपिक हुआ, तो उसका सिर्फ बाहर वाला जो उसका ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ वही समझाया जाएगा, अंदर वाले की उसका कोई अपन लेना देना नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर ऑल योर ऑल फ्रेंड्स, और विशेष रूप से डोंट फॉरगेट टू नोट एड इन योर नोटबुक, यानी अपने नोटबुक में लिखना बिल्कुल भी ना भूले, विशेष ध्यान रखना, लिखना भी है और मुझे बाय व्हाट्सएप आपको सेंड भी करना है। थैंक यू।